हेलो एवरीवन, तो आज आपके सामने है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीएड के 2019 का क्वेश्चन पेपर, जिसका एग्ज़ाम आपको 17 जून को एक हुआ है। उसमें आपको इंक्लूड करता है 170 क्वेश्चन हैं आपको, साथ में ही आपके टोटल 170 मार्क्स का ही आपका पेपर भी है। इसमें आपके शुरुआत के 110 क्वेश्चन तक आपके जनरल एबिलिटी के हैं, उसके बाद के 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट नॉलेज से बिलोंग करते हैं। अब जनरल एबिलिटी में इंक्लूड करता है आपकी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, जो आपने चूज करी है दोनों में से एक करना होगा। बाकी आपके करंट में जो भी एजुकेशन अफेयर्स हो रहे हैं उससे आपकी करंट नॉलेज होगी, इसमें करंट अफेयर्स से आप बोलेंगे। आपकी बेसिक इसमें रीजनिंग है, बेसिक मैथमेटिक्स है, और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें इंक्लूड करता है। देखिए, इसमें आपकी जैसे 170 क्वेश्चन का पेपर है, उसमें साथ में आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब आपका 0.25 हर बार डिटेक्ट होगा एक गलत क्वेश्चन के साथ में। बाकी आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होती हैं, तो मैंने उसके बारे में आप डिस्कस नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको जो है क्वेश्चन पेपर सामने लाने का मोटिव, वो आप केवल क्वेश्चन से रूबरू कराना है। कोई आंसर मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप चूज़ कीजिएगा, आप चेक करिएगा आपका आंसर क्या आता है, फिर जो ऑफिशियल आंसर क्या आएगी उससे भी एक बार मैं मैच कर दूंगा, तो आप चेक कर लीजिएगा कि हाँ कैसा स्कोर बैठता है। पढ़ते हैं, तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्च टू प्रोवाइड मल्टीलिंगुअल एक्सपोजर टू स्टूडेंट इन इंडियन लैंग्वेज। ऑप्शन थे, ए है आपका भाषा ज्ञान हो गया, सेकंड हो गया भाषा समागम, भाषा धन और भाषा संगम। देखिएगा क्या रहेगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर रहते हैं, व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग। डायग्नोसिस हो गया आपका, रेमेडी, डायरेक्शन, फीडबैक, या सारे के सारे यही हैं। देखिएगा आंसर, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री है आपका, NMEICT स्टैंड फॉर, अब किसके लिए स्टैंड करता है ये, नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू ICT, या फिर आपका नेशनल मिशन ऑन ई गवर्नेंस थ्रू ICT, नेशनल मिशन ऑन ई कॉमर्स थ्रू ICT, या फिर आपका नेशनल मिशन ऑन ई लर्निंग थ्रू ICT। मैच कर लीजिएगा आपका, चेक करते रहिएगा, जो ऑफिशियल आंसर के साथ में आप आंसर जरूर बताऊंगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दूरदर्शन एजुकेशनल टेलीविजन चैनल। गुरुकुल है आपका, ज्ञान भारती है, ज्ञान दर्शन, या फिर विद्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन टीचिंग। देखिए, सबसे पहले आपका है रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हो गया, सब्जेक्ट मैटर करता है आपका, या फिर टीचिंग टेक्निक एंड एड्स यूज्ड, या फिर स्टूडेंट्स की नॉलेज, आपको बताइए इसका क्या आंसर आपके हिसाब से बढ़िया रहेगा। देखिए, क्वेश्चन सिक्स और सेवन्थ में थोड़े मिस्टेक्स थी, यहाँ दोनों के दो दो ऑप्शन हैं, या कहें सेवन के ऑप्शन है और सिक्स में ही कंबाइन हो गए थोड़े। चलिए फिर भी क्वेश्चन आपके सामने है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ SUPW वॉज एलुडिकेटेड बाय, अब ये किसने किया था। लेकिन इसके चारों ऑप्शन है, पढ़ लीजिएगा, यही आपके क्वेश्चन सेवन के साथ में कंबाइन हो जाते हैं। देखिए, थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर, तो जिन जिन्होंने एग्जाम दिया था उसके लिए थोड़ा फायदेमंद रहेगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एपेक्स इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व इन द प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री। जी, UGC है, NCERT है, NCTE, या फिर NAC। देखिए इसका क्या आंसर रहेगा, बताइएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ टेक्स्ट बुक इन अ क्लास टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव, टू डिलिमिट व्हाट इज टू बी टॉट, टू एक्सप्लेन आइडियाज और कॉन्सेप्ट एंड सेट न्यू स्टैंडर्ड्स। सारे आंसर सही हो सकते हैं, देखिएगा आप। व्हाई इज टीचर ट्रेनिंग नेसेसरी, इंक्रीजिंग टीचिंग स्किल्स बढ़ाने के लिए, या फिर अंडरस्टैंड मेथड ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, अपग्रेड नॉलेज ऑफ कंटेंट, या फिर ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10+2+3 ईयर स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, ये किसने करा था। एजुकेशन कमीशन ने करा था 1964, ग्राम मूर्ति कमेटी 1990, या सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी 1952, या फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948। नेशनल पॉलिसी और एजुकेशन 1986 वाज रिवाइव्ड बाय, अब ये किसने करा था। चलिए क्वेश्चन है आपको, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा आपका, विच इज फॉलोइंग स्टेट अंडरटुक द इनोवेशन प्रोजेक्ट लोग जम्बिश पीपल्स मूवमेंट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1975। क्यूरिकुलम फॉर 10 ईयर्स स्कूल हो गया, कोटरी कमीशन रिपोर्ट, या फिर आपका रहता नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, या राधा कृष्ण प्रोजेक्ट। ये देखिएगा, रिपोर्ट है आपके, प्रोजेक्ट नहीं रहेगा वो आपका।
आप आंसर अपना निकालिएगा, फिर ऑफिशियल आंसर की के साथ मैच करेंगे, तब देखते हैं जी हम असल में रियलिटी में स्कोर कितना कर सकते हैं ऑन पेपर जामिया के एंट्रेंस के टाइम पे। द पर्पस ऑफ द टेक्स्ट बुक इज टू प्रोवाइड, अब क्या है देखिए, मैच करते रहिएगा आंसर, अब देख लीजिएगा, मैं रीड नहीं कर रहा हूँ उस कंडीशन में, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। द एम ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का चार्टर क्या था? देखिए 1813 में तो आपका सबसे पहले जो इससे नहीं आंसर, लेकिन आपका जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका बिजनेस का जो सोल राइट था वो भी हटा दिया गया था। एनएलएम स्टैंड फॉर, जी एनएलएम स्टैंड फॉर किसके लिए करता है? 17वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है व्हाट इज टीचिंग एप्टीट्यूड, ये होता क्या है? क्वेश्चन 19 था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर टीचर, अब क्या हो सकता है जिसका आंसर, ये देखिए मुझे नहीं पता आंसर सही है गलत है, तो इसे आप कंफर्म कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, लर्निंग वुड बी मीनिंगफुल व्हेन इट इज डैश सेंटर्ड, इसका आपका 100% आपका सेंटर में आपका स्टूडेंट ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, व्हाट इज द यूज ऑफ होमवर्क, होमवर्क का क्या यूज हो सकता है? देखिए क्वेश्चन ही मैं आपको बता रहा हूँ, आंसर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपके कई बार कुछ लोगों के सबके अलग अलग आंसर होते हैं, तो आप मैच करते रहिएगा अपना। देखिए क्वेश्चन 22, व्हाट इज द नेम ऑफ जशपाल कमेटी रिपोर्ट, अब इसका नाम क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवोदय स्कूल हैज बिन इस्टेब्लिश टू, देखिए इसमें आपको फर्स्ट और सेकंड में से आंसर होगा, इतना मैं आपको बता सकता हूँ, अब है क्या ये देखिए कुछ भी हो सकता है। व्हेन द स्टूडेंट बिकम फेल इट इज बी अंडरस्टूड दैट, अब ये क्या है देखिए, हो सकता है आपका सिस्टम फेल हो, टीचर फेल हो सकता है, टेक्स्ट बुक की फेल हो सकती है, साथ में हो सकता है आपका इंडिविजुअल स्टूडेंट फेल हुआ, ये भी हो सकता है। आर टी ई राइट टू एजुकेशन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम, आप देखिए आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा इसका आंसर। द नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन SSA एम्ड एट, आप किस पे करता है? पढ़ते रहिएगा आप, आंसर मैच कीजिएगा अपने ऑफिशियल आंसर की, सब मैच करेंगे बाकी बाद में। इन विच द फॉलोइंग सिटीज द वाटर मेट्रो एंड इंटीग्रेटेड वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट हैज स्टार्टेड, देखिए अगला क्वेश्चन आप पढ़ते हैं इसी में। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज अनवील्ड बाय नीति आयोग हैविंग फ्यूचर गोल फॉर इंडियन इकोनॉमी, देखिए आपके दो ऑप्शन नियर है, आपके बाकी दो ऑप्शन यहाँ पर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च द पीपल एम्पावरमेंट इनेबलिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी स्कीम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। रिसेंटली थर्ड मीटिंग ऑफ नेशनल काउंसिल ऑन इंडिया न्यूट्रिशन कॉलेज वो चैलेंज वॉज हेल्ड ऑन चिल्ड्रंस डे, वाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EILAN इनिशिएटिव रिलेटेड टू पोषण अभियान, अब देखिए क्या रहता है इसका आंसर। आपका 31 रहेगा आपको क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर ऑर्गेनाइज हुनर हाट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली, अब क्या रहता है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग G20 समिट, आप ये क्या था आंसर, सारे आपके देखिए आपके एजुकेशन बेस भी हो सकते हैं, इन्हीं से रिलेटेड करता है आप कहीं ना कहीं। अगला क्वेश्चन है आपका 33, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ किलोग्राम सेकंड एंड मीटर वार रिडिफाइंड रिसेंटली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल कंटेंट, भाई ये क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक है, आपका साइंस के स्टूडेंट से तो उन्हें ज़्यादा पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैच कर लीजिएगा, आपके सारे आंसर मैं आपको दिखाऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन दैट फेस ग्रेव डेंजर ऑफ सॉइल बायोडाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू द स्टडी पब्लिश बाय, क्या होगा इसका आंसर। ISRO सैटेलाइट GSAT-7A वॉज रिसेंटली लॉन्च फ्रॉम विच स्पेस सेंटर, अब कहाँ से गया है ये। रिसेंटली वॉट न्यू नेम हैज बिन गिवन टू द इंडियन प्रीमियर लीग IPL फ्रेंचाइज दिल्ली डेविल्स का, क्या नाम दिया गया? सबको पता होगा यहाँ पे दिल्ली के इतने फैंस हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, लेजेंडरी इंडियन क्लासिक म्यूजिशियन उस्ताद इमरान खान बिलोंग्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग घराना ऑफ इंडिया, देख लीजिए घराना लिखा है वो, जहाँ पे घराना बोल दिया मैंने आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे इज ऑब्जर्व ऑन, आपका ऑब्जर्व किया जाता है हम आपका तो वैश्विक स्तर पर देखें हमारा चिल्ड्रंस डे। अगला क्वेश्चन है आपका, द थीम ऑफ द 2018 वर्ल्ड हैबिटेट डे वॉज, क्या थी? देख लीजिएगा आप आंसर, मैच करते रहिएगा। वॉट इज द नेम ऑफ द बुक लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन द लाइफ ऑफ फेमस कार्टूनिस्ट RK लक्ष्मण, इसका आपका देखिए आंसर जहाँ तक है आपका टाइमलेस लक्ष्मण होना चाहिए आपका, बाकी आप मैच कर लीजिएगा।
हु इज़ द फाउंडर ऑफ गूगल का फाउंडर कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द रिवेन्यू अकाउंट ऑफ यूनियन बजट? देखिएगा भैया आपका क्वेश्चन क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम हैज़ बीन मेड कंपल्सरी इन राजस्थान? अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा आगे बढ़ते हैं हम। द मशीन लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन, अब किसके ऊपर होती है? द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट ह्यूमन एक्टिविटीज इज रिफर्ड टू एज, अब देखिए कार्बन, कार्बन किस फील्ड में डाला जाता है, इसे आप चेक कर लीजिएगा अपने अपने आंसर। इन ह्यूमन ट्रांसनोमी द क्रोमोजोम नंबर 21 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए होता है क्रोमोजोम नंबर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वॉज सेट अप इन द इंडिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ BPL फैमिलीज इन अर्बन एरियाज? देख लीजिएगा आंसर इसका क्या रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल रेडिकुलेटेड रेडिकल्ड कांग्रेस एज रिप्रेजेंटेटिंग ओनली अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपल? देख लीजिएगा किसने कहा है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन दियर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। देखिए आपको अरेंज करना है कैसे कैसे इवेंट्स पहले हुए, एक क्रम के हिसाब से आपको अरेंज करने हैं ये। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 51। द सुल्ताना गुलाबी एंड काली चंपा वराइटीज इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया एज वराइटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर फ्रूट, ये किसकी वराइटीज हैं सारी आपकी, सुल्ताना गुलाबी एंड काली चंपा? ये देखिए तो आपका कस्टर्ड एप्पल की है, ऑरेंज की है, गवावा या फिर ग्रैप की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आपका। हु वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वैन पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन हो गया या फिर PIL भी से बोलते हैं वॉज इंट्रोड्यूस इन द इंडिया जुडिशियल सिस्टम? अब कब किस कौन था जिससे हमारे जब हमारा जो हमारा PIL की जो फैसिलिटी आई थी हमारे सामने। चलिए देखते हैं आगे पढ़ते हैं। ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये मैथ का क्वेश्चन है आपका। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन आर वर्किंग इन द रेशियो ऑफ 9:4:1, देयर वेजेस आर इन द रेशियो ऑफ 8:5:3, इफ 60 वुमेन्स आर वर्किंग ऑन द साइट देन टोटल डेली वेजेस ऑफ ऑल पर्सन ₹2,850 डेली वेजेस ऑफ अ चिल्ड्रन इज इक्वल टू, आप देखिए क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर अपने मैच कर लीजिएगा। जब मेरे पास ऑफिशियल आंसर की होगी जामिया की, मैं उसी से आपको करेक्ट बताऊंगा, क्योंकि कई बार गलत हो जाता है तो आपको भाई गलत ना रहे आइडिया, इस वजह से मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर ए मीट मिस्टर बी, आपका रीजनिंग सा क्वेश्चन है। बी इज द फादर ऑफ अ सन सी एंड अ डॉटर डी। ए इज द मदर ऑफ ए, सी इज मैरिड एंड हैज वन सन, ई इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी, हु इज ए रिलेटेड टू बी? क्वेश्चन है हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, आपके सन है, अंकल है, नेफ्यू या फिर ग्रैंडसन? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पिक आउट ऑफ द ऑड वन, ये आपका जहाँ तक है आपका डी आंसर रहेगा इसका, लेकिन मैच कर लीजिएगा, कन्फर्म नहीं है मेरे को। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, क्वेश्चन में देखिए आपको दे रखा है, इसके हिसाब से आपको आंसर करेक्ट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम अपने। अ सर्टेन सम ऑफ मनी वॉज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी इन द रेशियो 5:6:9, इफ ए रिसीव ₹450 द सम डिवाइडेड वॉज, अब क्या था? चलिए आगे बढ़ते हैं आपका, आसान क्वेश्चन है बहुत वैसे आपका, या आपको रेशियो सॉल्व करना भी, ए आई रेशियो में आपका एनटीए दे रखा है आपका, फिर इसी के हिसाब से आपको ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप आसानी से कर लेंगे इसे। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस 30, 45, 90, 225, 625। ये थोड़ा क्वेश्चन टिपिकल हो सकता है आपका, सॉल्व कर लीजिएगा, आसान है बाकी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आप मैच करते रहिएगा अपना। देखिए अगला क्वेश्चन था, फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप कर लेंगे इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन अ फर्म वॉज 5200 एंड दैट ऑफ फीमेल्स वॉज ₹4200, ठीक है। द मेन सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज वॉज 5000, वाट इज द परसेंटेज ऑफ वुमेन फैमिली फीमेल्स हो गई आपकी, सॉरी माफ कीजिए थोड़ा गलत बोल लिया, फीमेल एम्प्लॉयज क्या गेट करती है वो आपका इसमें परसेंटेज निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वैल्यू फाइंड करनी है पूरे सम की आपकी। अगला क्वेश्चन देखिए पढ़ लेते हैं, आप सॉल्व करते रहिएगा। 62 एज ऑफ मदर 10 ईयर्स अगो वॉज 3 टाइम्स दस एज ऑफ हर सन, आफ्टर 10 ईयर्स मदर्स एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, आसान क्वेश्चन आप आसानी से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। फादर इज 3 टाइम्स मोर एज देन हिज डॉटर, इफ आफ्टर 5 ईयर्स ही वुड 3 टाइम्स ऑफ डॉटर्स एज देन फर्दर
आफ्टर 5 ईयर्स हाउ मैनी टाइम्स ही वुड बी ऑफ हिज डॉटर्स एज। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर देख लीजिए, ये है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वॉच, ये आपका क्लॉक सा क्वेश्चन है सर, 3 से 4 क्वेश्चन आपको क्लॉक से भी रहे हैं। देखिए चलिए आगे पढ़ लेते हैं हम, क्या है। अब वॉच गेन 8 सेकेंड इन 4 मिनट्स एंड सेट वॉज सेट राइट एट 4 AM, वॉट टाइम विल इट शो एट 11 PM ऑन द सेम डे। अब देखिएगा ये कब आएगा। अ क्लॉक लूजेस 5 मिनट्स एवरी आवर एंड वॉज सेट राइट एट 11 AM ऑन अ मंडे, वैन विल इट शो द करेक्ट टाइम अगेन। अब देख लीजिएगा आंसर क्या, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर निकालते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, माई वॉच विच गेंस यूनिफॉर्मली इज 2 मिनट्स एंड शो एट नून ऑन संडे एंड इज 4:48 फास्ट एंड एट 2 PM ऑन द फॉलोइंग संडे, वैन वॉज इट करेक्ट। अब ये कब होगी, वेडनेसडे नून को, संडे 2 PM को, मंडे नून को, ट्यूजडे 2 PM को। देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंस्ट्रक्शंस बेस पर है, तो आप अच्छा होगा 4 ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, आपका रीजनिंग्स है, तब आपके शुरुआत के 3 क्वेश्चन उससे बिलोंग करते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन थे वैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, देख लीजिए 68, 69। पहला एक क्वेश्चन है, हु इज सिटिंग अपोजिट टू दीपन हो गया, हु इज जस्ट राइट ऑफ अश्विन, पिक आउट द ऑड ऑड, ये तो आप कर लेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी आपका रीजनिंग का ही है कुछ। इन अ सर्टेन लैंग्वेज सनशाइन इज कोडेड एज TVOTIJOF, देन हाउ विल मून विल बी कोडेड। बहुत आसान क्वेश्चन है आपका। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका, ये भी है आपका रीजनिंग सही है, आप फिर पढ़ लीजिए आसानी से हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए आपका ये भी रीजनिंग से है, आपका डायरेक्शन बेस पर है। मैरी इज वॉक टुवर्ड्स साउथ वेस्ट 4:15 miles, टर्न राइट एंड वॉक अनदर 10 miles, शी then turns 90 degree clockwise and walk 10 miles. Now she again turn left and walk 30 miles. Which direction is she facing? Reason question आपका सही से कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में हम। There are 6 persons, Ashwin, Kiran, Komal, Deepan, Aisha and Mittal. Komal is the sister of Mittal. Kiran is the brother of Aisha's husband. Deepan is the father of Ashwin and grandson of Mittal. There are 2 fathers, 3 brothers and a mother in the group. Who is the mother? यही क्वेश्चन पूछा जी, मदर है कौन आपका, सॉल्व कीजिएगा निकालिएगा। ये आप कर लेते हैं, 110 के करीब आपका आंसर आ रहे हैं, तो हो सकता है आपका एडमिशन हो जाए आसानी से। देर आर 5 friends हो गया, सतीश हो गया, किशोर है आपका, मोहन है, अली एंड राजेश। मोहन इज टॉलर, मोहन सबसे टॉलेस्ट आपका मोहन है। सतीश इज shorter than किशोर बट टॉलर देन राजेश। अनिल इज लिटिल shorter than किशोर बट लिटिल टॉलर देन सतीश। हु इज टॉलर देन राजेश बट शॉर्टर देन अनिल। ये देख लीजिएगा आपका आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका आसान। देखिए आपका पूछ रखा है, क्या पूछा है आपका, कलर ऑफ स्काई पूछा, आप आसानी से कर लेंगे, आपको पता ही है इसमें मैच कर लीजिएगा कैसे कैसे होगा, बहुत आसान सा है। देखिए अब आपका आ गया है लैंग्वेज का क्वेश्चन। देखिए 76 क्वेश्चन आपका 2 बार था, तो आपका इस बार का ये क्वेश्चन कटा हुआ था, क्योंकि आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया था इसमें, ये कटा हुआ आपका क्वेश्चन है, थोड़े मिस्टेक्स थे आपके 3 क्वेश्चन है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कैसा कैसा रहता है देखिए। यहाँ पर आपको जो शुरुआत का क्वेश्चन कुछ आपके उसमें पूछा गया, चूज द वर्ड विच इज ऑलमोस्ट सेम इन द मीनिंग एज द वर्ड। आप देख लीजिए क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए इनके आंसर क्या रहेंगे। ये सर आपका लैंग्वेज से बिलोंग करता है, अभी आपका हिंदी का भी आ गया, तो मैं आपको शो कर दूंगा, आप उन्हें सॉल्व करते रहिएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ होमोफोन्स टू कम्प्लीट ईच गिवन सेंटेंस। देख लीजिएगा आप, मैच करता रहिएगा, आप करके देखिए ना कैसा रहता है आपका, मैं मूव करता रहता हूँ धीरे धीरे ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके डायरेक्शन दे रखिए, कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। देखिए सारे क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, नेक्स्ट आपका 91 से शुरू करते हैं, आपका होता है आप तो फिलिंग द ब्लैंक्स का, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट स्पेल्ड वर्ड हो गया। देख लीजिएगा आप, देखिएगा आंसर क्या सही रहते हैं आपके। आगे ऐसे बढ़ते रहते हैं, आप उम्मीद करते हैं आपके सबके आंसर बहुत अच्छे निकलेंगे इसमें आपका, मतलब क्वेश्चन फॉर्मेट ही आपके सामने के लिए, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें, आंसर नहीं है। डायरेक्शन कंप्लीट द आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन हो गया, ये आपको करने हैं, एडम्स ऑफ फ्रेज है, उससे बिलोंग करता है आपका क्वेश्चन ये। देखिए सारे देखते रहिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी आपका दे रखा, डायरेक्शन दे रखे, फिल इन द ब्लैंक चूज इम फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। देखिए चलिए आप देखते रहिएगा, करते रहिएगा, आंसर पॉज करके आए तो आप ऑफलाइन कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए आपका इंग्लिश का शुरू होता है 76 से लेके यही खत्म हो गया, 76 से आपका 110 तक का, उसी के आगे आपका 111 से 170 तक आप सब्जेक्ट नॉलेज है। यहाँ से हिंदी लैंग्वेज का है वो आप देख लीजिए, देखिए आप देखते रहिएगा हिंदी लैंग्वेज का कैसे रहता है आंसर। देखिए आपसे पूछा सबसे पहले हिंदी के उद्गम का सही अनुक्रम क्या है, पाली प्रकृति का अपभ्रंश हिंदी, देखिएगा क्या रहता है, आप करते रहिएगा। पश्चिम हिंदी का विकास अपभ्रंश से किस रूप में हुआ, ये था आपका 78 क्वेश्चन आपका। हिंदी कुल कितनी बोलियां हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, कितनी बोलियां हैं वैसे, 15, 16, 17 या फिर 18। निम्नलिखित में से कंठगत व्यंजन है ठ ग व या फिर ब, जहाँ तक का ठ होना चाहिए, कन्फर्म नहीं है मेरे को। दिल पक जाना इस मुहावरे का अर्थ है, पहला क्वेश्चन आपका 81 हो गया। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, अनुनासिक का संबंध होता है, अगला क्वेश्चन है इसमें, फिर आपका हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, आसान क्वेश्चन है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलगाड़ी शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज या फिर संकर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्मुख में उपसर्ग है, सम समा सम या फिर स, आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्न में से किस शब्द में ई अथवा इन प्रत्यय नहीं है, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, देखिए इसका शायद आंसर 3 है, कंफर्म नहीं है मेरे को लेकिन। 89 क्वेश्चन, निम्न में से ह्रस्व स्वर कौन सा है, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न विकल्पों में से वाक्य सही, एक वाक्य सही है, सही वाक्य का चयन कीजिए, 1 किलो आलुओं को लाओ, 1 किलो आलू लाओ, 1 किलो आलुए लाओ या फिर जो है आपका आता है उपयुक्त सभी, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो वर्णों के होने वाले विकार को कहते हैं उपसर्ग समास संधि या फिर प्रत्यय। अब गायक का सही संधि विच्छेद होगा, देखिए जहाँ तक गलत गौ प्लस अक होगा, जहाँ तक मेरे को पता है, हो सकता है गलत हूँ मैं, आप सही कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, जो धन कमाते हैं उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए, मैं वाक का सही प्रकार पहचानिए, थोड़ा देखिए मिस्टेक है इसमें क्वेश्चन पेपर में, देख लीजिएगा आप कैसा रहता है। नील कमल में उत्तर पद कमल है, क्या है विशेषण, विशेष, विशेष विशेषण या फिर इनमें से कुछ नहीं। हिंदी भाषा, हिंदी किस भाषा परिवार से है, देखिए ये आसान क्वेश्चन है आपका। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है, अवधि, खड़ी बोली, ब्रजभाषी या फिर देवनागरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अविकारी शब्द क्या होते हैं, अव्यय होते हैं, सबको पता होगा ये। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, मिठाई, चतुराई, लड़ाई या फिर उतराई। स्थावर का विलोम जंगम, चलिए देखते हैं क्या रहता है, सचल होगा आपका, चंचल, चेतन या जंगम। गर्व का पर्यायवाची, आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थ नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 103। डैश छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, यह सम मात्रिक छंद है, प्रथम और दूसरे चरणों में तुक समान होते हैं, अब क्या होता है जिसका आंसर। वसुधा का पर्यायवाची शब्द है, क्या होगा जिसका आंसर, लगाइएगा सही बिल्कुल। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मड़े जाते, लोकोक्तियों का क्या अर्थ है, कंजूसी करना, सीमित साधनों में काम चलाना, छोटे रहकर बड़े काम करना या फिर सीमित संसाधनों से बड़े काम नहीं होते, चलिए आगे। निम्नलिखित में से सारंग शब्द का निकार्थी शब्द है, चलिए आगे देखते हैं। छंद की हर पंक्ति को चरण या डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जिनकी कभी अंत नहीं होता के लिए शब्द क्या है, अब जिसका कभी अंत ना हो, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 109, हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका तन का पर्यायवाची शब्द है, शरीर होगा, झील, चंद्रमा या फिर आपका होगा खटिया, देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। चलिए आपका नेक्स्ट आपका जो है आपका वो आपका सब्जेक्ट नॉलेज का आता है, सब्जेक्ट नॉलेज आपका पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट का है, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज सबके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग होगी, तो ये देखिए तो सब पॉलिटिकल साइंस का आपको बताऊंगा, बाकी आपके 60 क्वेश्चन दूसरे सब्जेक्ट के आप चेक कर लीजिएगा आपका कैसा रहेगा, फॉर्मेट ऐसा कुछ होगा, फॉर्मेट आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। द जनरल असेंबली ऑफ UNO पास द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑन, कब किया गया था इसका आंसर, बहुत आसान सा आंसर है, कर लीजिएगा आप, हो जाएगा। विच लोकसभा वुड बी फ्रेम्ड फ्रॉम 2019 लोकसभा इलेक्शन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडिया हैज़ परमानेंट मेंबरशिप इन, अब किस में है,
देखिए आंसर इसमें गलत लगी भी हो सकते हैं इनके, मत देखिए अगर इसमें टिक हो रखे कहीं आप वो समझ लें। आगे बढ़ते हैं, देखिए पढ़ते हैं, वो अमंग द फॉलोइंग एडवोकेट पार्टी लेस डेमोक्रेसी इन इंडिया, अब कौन सी है? चलिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय, अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन इलेक्ट करता, लोकसभा का स्पीकर, इलेक्टर कॉलेज होगा, सिटीजन ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए ये तो होता ही नहीं है आपका, ये भी तो करता नहीं है बच्चे आपके दो, ये तो आपको सबको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अ कॉमन कैपिटल, बिहार, चंडीगढ़। देख लीजिएगा इसका आंसर बहुत आसान से आपका, मैक्स नंबर ऑफ लोकसभा कितने हो सकते हैं, 550 जी बिल्कुल है, क्योंकि कितना तो राज्यसभा में हो सकता है वो सब अलग है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाउ मैनी इज द कोरम ऑफ अ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया, 1/2, 1/3 या 2/3 या फिर 1/10। चलिए आगे बढ़ते हैं, डब्लो इज द सक्सेसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन, इसका आपका GAT होता है आपका, जैसे आप बहुत शॉर्ट पढ़ना चाहें जनरल, मैं लिख देता हूँ GAT, दो मिनट में गलत तरीके से लिख गया, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये आपको क्वेश्चन में फिक्स बता सकता हूँ जहाँ तक कैसे सही होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर क्या है, वी विच सोशल साइंस इज प्रियर टू पॉलिटिकल साइंस इन ऑरिजिन, अब ये इससे किससे बिलोंग करती है ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन सेंटर स्टेट फिजिकल रिलेशन हैज बीन अंडरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या जोनल काउंसिल हो गया, प्लानिंग कमीशन एंड द इलेक्शन कमीशन। चलिए अगला पढ़ते हैं, अबू कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो रिटन बाय, अब किसने उन्होंने लिखी थी वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुक, आसान क्वेश्चन है वैसे ही, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018 स्टैंड 4, अब किसके लिए करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया, चलिए देखते रहिएगा मैच करते रहिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ इनके साथ में, हु डिस्क्राइब इंडियन कैपिटलिज्म एज धर्मशाला, इंडियन के कैपिटलिज्म को धर्मशाला किसने कहा है। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया एजुकेशन इज अ क्या है, देखिए पहले आपका इंडियन एजुकेशन जो हो गया आपका, जो राइट टू एजुकेशन आपका हो गया वो आपका पहले आपका स्टेट लिस्ट में था, बाद में कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था, लेकिन आपका 86th अमेंडमेंट के साथ एज अ फंडामेंटल राइट दे दिया गया है आपका आर्टिकल 21A के अंडर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे रखें क्या है, इंडिया इज अ क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सोसाइटी है, ओनली डेमोक्रेटिक है, मोनार्किकल है, देखिए मोनार्किकल को तो बात ही नहीं आती, बाकी आप देख लीजिएगा आंसर क्या है। अगला क्या है, द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इज, फोर्थ स्टेट आपका देखा बोलो डेमोक्रेसी, मीडिया को बोला जाता है वैसे, लेकिन आप मैच कर लीजिएगा, द पंचायत सिस्टम इज इंक्लूडेड इन, जनरल से बात है स्टेट का दे रखा है आपका, स्टेट की ड्यूटी है एक पंचायत बनाने का, और जहाँ तक का आर्टिकल 40 के अंडर में है आपका ये। हाउ मैनी एशियन कंट्रीज आर मेंबर ऑफ G20, कितने मेंबर हैं, देखिए इसका मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ आप कितने, चेक कर लीजिएगा। अली है आपका, दलित पैंथर मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन, कहाँ लॉन्च किया गया था, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार या फिर उड़ीसा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैक्स वेबर थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ किसकी है, डेमोक्रेसी की है, ब्यूरोक्रेसी, नेशनलिज्म या फिर सोशलिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया - आर्टिकल 14, 15, 16 या फिर 17 आपका जहां तक का आंसर सही है, बाकी आप चेक कर लीजिएगा। लास्ट समिट ऑफ NAM नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हो गया आपके, सब बोलते हैं गुड निष्पेश था उसका, कहां हुआ था। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, फुल फॉर्म ऑफ आप सबको पता होगी, वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा इलेक्शन, 16 इलेक्शन आपका 2014 में हुए थे, आप समझ में आओ, एक क्वेश्चन आपका था 2018 के 19 के जो इलेक्शन लोकसभा कौन से हुए थे। ठीक है जी, कितना रहा है इसमें, देखिए श्रीमती सोनिया गांधी इज अ क्या है, देखिए गवर्नर तो आपकी है नहीं दूर दूर तक, लोकसभा के स्पीकर भी कभी नहीं रहे, प्रेजिडेंट ऑफ एनसी, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो देखिए लेडी तो रही है ही नहीं दूर दूर तक। ठीक है जी, क्योंकि आपकी वो तो सोनिया वो क्या थी, इंदिरा गांधी थी आपकी, तो बचा के आप देख सकते हैं। अगर देखते हैं, साइंटिफिक मेथड डज नॉट इंफोसिस ऑन किस पे, देखिए चलिए अगला रहते हैं, बिरसा मुंडा वॉज एसोसिएटेड विद ट्राइबल स्ट्रगल ऑफ किसका, देखिए आगे बढ़ता चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी रिगार्ड्स इटसेल्फ एज अ कस्टोडियन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंड अनरिस्पॉन्सिव टू पब्लिक ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, WHO, FAO, OPEC या IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया आपका, ये तो बेटर वर्क सिस्टम की देन है, WTO भी उसी का है आपका। पावर इज द मनी इज फॉर्मुलेटेड बाय, अब किन्होंने दिया था ये,
और इज लाइक मनी इज फॉर्मुलेटेड भाई। अब देखें, चलिए आगे बढ़ते हैं। कलर ऑफ द कार्पेट ऑफ द लोकसभा इज, बहुत आसान सा क्वेश्चन लेकिन पता नहीं होता क्या। देखिए, व्हाइट और ब्लैक तो नहीं है आपका, बाकी और क्या बनता है, व्हाइट मतलब रेड है या फिर ग्रीन है आपका, ये दो तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्मला सीतारमन क्या है? पहले आप डिफेंस मिनिस्टर थी, अब तो बाद में चेंज हुई है, तो देखिए किसमें चेंज करा गया है। हु ऑफ द फॉलोइंग गेव द आइडिया ऑफ डोमिनियंट स्टेट, किन्होंने दिया था डोमिनियंट स्टेट की बात, किन्होंने कही थी। हु इज द ऑथर ऑफ फ्रैक्शनल पॉलिटिक्स इन एन इंडियन स्टेट। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में, चेक कर लीजिए आप क्या है आपका आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज मेड प्योनियरिंग कंट्रीब्यूशन इन द एरिया ऑफ सब लेटर्न स्टडीज। देखिए क्या है इसका आंसर। फॉर गांधी स्वराज का मीन का मतलब क्या होता है, सेल्फ रूल, आपको सबको पता होगा इसका, जहां तक लेकिन गलत हो सकता है मेरा आंसर, चेक कर लीजिएगा वो अपने। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अ सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडिंग प्रोसीजर, सबसे आसान कहाँ का है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस हिसाब में। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिसाइज बेंथम्स फिलोसफी ऑफ पिक फिलोसफी, अब किन्होंने ने क्रिटिसाइज किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ में। प्रेजेंट सेकेंड, ये तो आपको पर जो जनरल सेक्रेटरी कौन है आपका इस समय, आपका कहाँ गए, एंटोनियो जी हैं इस समय आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। नोशन ऑफ अन इवन डेवलपमेंट डेवलपमेंट वॉज एंड वॉज अ रिस्पॉन्स ऑन द 19th century आइडिया ऑफ, किसका था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ में, आप मैच कर लीजिएगा अपने आंसर। रोजेज इन दिसंबर इज द ऑटोग्राफी ऑफ, किसकी है ये ऑटोग्राफी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, अब इन्हें कौन इलेक्ट करता है पीएम को हमारे इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट द इंटर स्टेट काउंसिल को, अपॉइंट कौन करता है ये, प्रेसिडेंट करता है, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट या फिर यूनियन होम मिनिस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिमिट द नंबर ऑफ मिनिस्टर, या आपका देखिए जहां तक का आपका 91st होगा आपका। द मोस्ट इसेंटिव प्रिंसिपल ऑफ लिबरलिज्म इस, किसका मतलब देखिए, पूरा लिबरलिज्म आपके पूरी फ्रीडम मानी जाती है, तो आपको फ्रीडम आंसर ले सकते हैं आप, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा आपका आंसर क्या है। वो डिस्क्राइब द क्रिटिकल एंड क्रिएटिव रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया एज द इंडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, अब इन्होंने किसने दिया था ये। हु अमंग द फॉलोइंग इज द क्रिएटर ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग, किन्होंने क्रिएट किया था, हॉवर कमीशन हो गया आपका, पीटर फेयर हो गया आपका, पीटर हो गया या फिर हर्बर्ट साइमन, क्यों दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, देखिए, इन विच ईयर द यूएन जनरल असेंबली अडॉप्ट द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये कब हुआ था। इंडिया में तो 2016 में हुआ, लेकिन यूएन ने कब अपनाया था इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ शार्क, का मेंबर कौन नहीं है, मालदीव, नेपाल, म्यांमार या फिर अफगानिस्तान। अगला देखते हैं, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट नॉट एन ऑर्गन ऑफ कौशल, स्टेट का कौन सा ऑर्गन नहीं था, स्वामी, वर्ण सिस्टम, अमात्य या फिर डंडा, मतलब दंड, और डंडा पनिशमेंट के लिए यूज किया जाता था जहां तक मुझे पता है वैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शोविंग द स्टेट एंड डोमिनेंट कास्ट इज नॉट करेक्ट, पंजाब के साथ में केरला, राजस्थान या कर्नाटक, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। चलिए देखते हैं। विच पोलिटिकल पार्टी इज ओल्डेस्ट, जी सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी हो सकती है, 1885 बनी, तो उससे पहले तो हमारे पास कोई पार्टी थी ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, की स्टेट कमेटी किसके पास थी, तो आप तो कभी मार देंगे स्टेट से, आपके कौन कौन बिलोंग करते हैं, सरदार पटेल जी हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ईयर 2016 शार्क समिट हेल्ड ऑन, कहाँ हुआ था शार्क का समिट 2016 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, साथ में लास्ट क्वेश्चन रह रहे हैं आपके। देखिए 168 है अगर, मैक्सिमम पीरियड ऑफ द प्रेजिडेंट रूल इन स्टेट अंडर आर्टिकल 356 कब तक उठाया जा सकता है, जहाँ तक का देखिए मेरी नॉलेज में 3 साल है, बाकी कम ज़्यादा हो तो चेक कर लीजिएगा। द अथॉरिटी टू डिक्लेयर वार और पीस अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेस्टेड इन, देखिए ये है आपका जैसे वॉर एंड पीस की जो बोला जाता है वॉर है या पीस, चलिए कौन से डिस्क्राइब करता, प्रेजिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर करता है, डिफेंस मिनिस्टर या फिर आपकी पार्लियामेंट। चलिए आगे देखते हैं। द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन सीक्स टू प्रमोट फॉर्मल इक्वालिटी हो गया, अनइक्वालिटी या फिर सब्सटेंटिव इक्वालिटी हो गया, नन ऑफ दीज। देखिए आपके पूरे 170 क्वेश्चन